बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल ने थोड़े से वक्त में अपने कड़े संघर्ष से इंडस्ट्री में पहचान बना ली है। वो बॉलीवुड के जाने माने और बेहतरीन एक्टर में से एक है। साथ ही इनके छोटे भाई सनी भी इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं और उनके पिता श्याम कौशल तो कई सालों से इसका हिस्सा हैं। एक्टर के पिता श्याम कौशल एक एक्शन डायरेक्टर हैं। मुंबई आने से पहले श्याम कौशल पंजाब रहा करते थे। श्याम ने गैंग्स ऑफ वासेपुर, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी फिल्मों में काम किया है। इतना ही नहीं, उनका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काफी बड़ा योगदान रहा है। एक समय ऐसा था जब वो पंजाब में स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने आत्महत्या करने के बारे में कह दिया था, जिसके बाद से उनकी फैमिली काफी परेशान हो गई थी। विकी ने हाल ही में अपने पिता के स्ट्रगल के दिनों को याद किया है। दरअसल विकी कौशल ने एक इंटरव्यू में बताया कि शुरुआत में उनके पेरेंट्स काफी खुश थे। उनकी फैमिली का कोई पहला इंसान होने वाला है जो 9 से 5 की नौकरी करेगा। हालांकि जब मैंने एक्टर बनने की इच्छा जाहिर की तो पापा ने कहा वो मेरी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो टेक्नीशियन है तो काफी कम लोगों को जानते हैं। इसके बाद विकी ने आगे बताया कि मेरे दादाजी की पंजाब के गाँव में किराने की दुकान थी, उनकी कोई जमीन भी नहीं थी। मेरे पिता साल 1978 में इंग्लिश में एमए की डिग्री लेकर मुंबई आए थे, लेकिन उनके पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन दोस्तों के साथ शराब पीकर उन्होंने कह दिया कि वो खुदकुशी करना चाहते हैं, जिसके बाद मेरे दादा काफी परेशान हो गए थे और उन्होंने उनको मुंबई भेज दिया। विकी ने आगे कहा कि मेरे पिता जरूरत पड़ने पर स्वीपर के तौर पर काम करने को तैयार थे, ये जानते हुए कि उनके गाँव में किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे डैड ने जवानी में काफी स्ट्रगल किया है। इस इंडस्ट्री में नौकरी की सिक्योरिटी का काफी रिस्क है। बता दें कि विकी इन दिनों अपनी फिल्म बैड न्यूज के प्रमोशन में बिजी हैं। इस फिल्म में उनके साथ तृप्ति डिमरी, एमी विर्क लीड रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म 19 जुलाई यानी कि आज रिलीज होने जा रही है। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स से ऋतु शर्मा की रिपोर्ट।